हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेड टू लुक। आज मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जो आपके बहुत काम में आएगा। ये बनाना है बहुत इजी है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ऐसा सेम डिवाइस आप मार्केट से खरीदेंगे तो मिनिमम 1200 से लेकर 1400 तक खर्चा होगा, लेकिन मैं जो तरीके से बनाऊंगा वो 150 से लेकर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। पहले मैंने एक प्लाई काट के फेविकॉल से ऐसा एक डिज़ाइन का एक बॉक्स बनाया है। सूख जाने के बाद मैंने इसे व्हाइट कलर में पेंट किया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ये है इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है PIR मोशन सेंसर, ये आपको 60 रुपीज का मिल जाएगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं VCC का मतलब पॉजिटिव और GND का मतलब माइनस। अब मैं पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। मिडिल का पिन है PIR मोशन सेंसर का आउटपुट, और इस पिन का आउटपुट वोल्टेज है 3 वोल्ट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं नेगेटिव वायर को कनेक्ट करता हूँ। ये है 12 वोल्ट का एक रिले, आप 6 वोल्ट का रिले भी यूज कर सकते हैं। ये है BC547 ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन और रिले का पिन एक साथ कनेक्ट किया है। रिले का और एक पिन पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट किया है, और ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पिन है, एमिटर पिन के साथ नेगेटिव वायर भी कनेक्ट किया है। मैं एक 7K का रजिस्टर भी कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर का बेस के साथ। ये एक 12 वोल्ट का SMPS है जो 12 वोल्ट एडाप्टर से लिया है। आप तो जानते ही होंगे कि SMPS में दो ब्लॉक होता है, एक DC ब्लॉक और AC ब्लॉक, और DC ब्लॉक में रेड एंड व्हाइट वायर कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज के लिए। और ऑपोजिट साइड में AC का वायर कनेक्ट किया है जहाँ पे 220 वोल्टेज इनपुट होगा। DC ब्लॉक में और भी रेड एंड व्हाइट कलर का वायर कनेक्ट किया है रिले और PIR सेंसर का वोल्टेज के लिए। और मेरे पास एक LED लाइट था, वो LED लाइट को भी मैं यहाँ पे यूज किया है। LED लाइट का जो कवर था वो भी मैं यूज किया है। मेरा लाइट और PIR सेंसर दोनों को ही मैं इस बॉक्स के साथ अटैच कर लिया है। अब रिले और SMPS का बारी है। अब मैं डायग्राम के हिसाब से सारे वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रिले का प्लस और माइनस, और PIR सेंसर का प्लस और माइनस। मैं इस बॉक्स के सामने एक जगह रखा है टाइम को डिले करने के लिए, और सेंसिटिविटी को कम और ज्यादा करने के लिए। अब टाइम है चेक करने का। मैं PIR मोशन सेंसर का टाइम को कम करके रखा है चेक करने के लिए। आप 30 मिनट्स तक टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। मैं इस वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा और भी एक चैनल है बंगाली व्यूअर्स के लिए, मेट्रो इलेक्ट्रो बांग्ला। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हो सके तो एक बार देख लेना।